दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल ऑरिज चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कैसे गेन कर सकते हो। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स गेन करने का शौक बहुत लोगों को है, लेकिन उन्हें टेक्निक्स पता नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपकी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बिल्कुल इंक्रीज करेंगे। मैंने भी यही टेक्निक्स अप्लाई किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टा में 20K फॉलोअर्स हैं और आज मैं आप लोगों को भी यही टेक्निक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि कम्प्लीटली सारे प्रोसीजर आपके समझ में आ जाएं और उनको अप्लाई करके आप भी अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करें। दोस्तों, सबसे पहला टेक्निक है इंस्टा रॉकेट बॉर्डर। इंस्टा रॉकेट बॉर्डर एक कलरफुल सर्कल होता है जो आप जब स्टोरी पुट करते हैं आपकी स्टोरी पे लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टोरी पुट कर दी तो मैं जब अपनी मोबाइल से देखूंगा तो मैं वो सर्कल देख सकूंगा और ये जान सकूंगा कि आपने एक स्टोरी पुट की होगी। और इसीलिए जब आप इंस्टा रॉकेट बॉर्डर को अगर अपनी प्रोफाइल पे पुट करेंगे तो कई लोग समझेंगे कि इसका तो स्टोरी लग चुका है, तो आपको फॉलो करेंगे क्योंकि वो समझेंगे कि आप इंस्टा में हर वक्त एक्टिव हो। मैं मोबाइल की स्क्रीन में ये डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और इंस्टा रॉकेट बॉर्डर को अपने प्रोफाइल पे पुट कर देंगे। के लिए हम पिक्सार्ट यूज करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट एडिटिंग ऐप। पिक्सार्ट मैंने खोल दिया है। मैं एक फोटो यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ। ये देखिए, मैंने पहले से भी ये एडिट की हुई थी, लेकिन अब ये प्रोसीजर आपको पूरा सिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से ये फोटो सिलेक्ट करूँगा, मैं फिर टूल्स पे क्लिक करूँगा और फिर शेप क्रॉप, जो भी शेप लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ सर्कल लेना है क्योंकि इंस्टा का प्रोफाइल सर्कल शेप में है। मैंने सर्कल शेप ले लिया। अब मैं एड फोटो पे क्लिक करने वाला हूँ। ये देखिए, एड फोटो का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एड फोटो पे सिलेक्ट करने के बाद मैं इंस्टा रॉकेट बॉर्डर जो मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, देखिए, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब हमारे लिए मसला ये है कि इसका बैकग्राउंड कैसे गायब कर लें। ये भी आप देख सकते हो पूरा प्रोसीजर, बिल्कुल मैं क्या क्या अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड भी डिसअपेयर हो गया। अब आप इसे अपने प्रोफाइल पे बिल्कुल पुट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसे प्रोफाइल पे अच्छी तरह से पिक्स कर रहा हूँ। अब हर कोई आपका प्रोफाइल देखेगा, वो ये समझेगा कि आप एक्टिव हो और इस तरह आपके फॉलोअर्स इंक्रीज करेंगे। सेकेंड मेथड गेन इंस्टा फॉलोअर्स इज ऑफ वेरिफिकेशन पेज। ये सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। जी हाँ, वही टिक मार्क जो कई स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज के प्रोफाइल पर आपको दिखता है, ये सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्पेसिफिक टिकटॉक स्टार्स हैं या फिर सेलिब्रिटीज हैं, जब कोई पर्सन फेमस हो जाता है तो इंस्टा खुद ब खुद उसे एक वेरिफिकेशन पेज दे देता है। लेकिन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको भी एक वेरिफिकेशन पेज इंस्टा दे सकता है। तो इसके लिए मैंने एक टेक्निक अप्लाई कर लिया कि वेरिफिकेशन पेज कैसे हासिल कर लें। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं टेक्निक के वेरिफिकेशन पेज कैसे अपनाया जाए। ये देखिए, फिर से हम वही फोटो सिलेक्ट करेंगे। अब इस पे वेरिफिकेशन पेज कैसे चढ़ाएंगे, मैंने वेरिफिकेशन पेज भी इसी तरह सेलेक्ट कर दिया है। अब इसका बैकग्राउंड कैसे गायब कर लें, ये तो हम इरेजर से करेंगे। ये देखिए, मैं इरेजर ले लेता हूँ ब्रश, और वही जगह जो आपको लेना है उस जगह को आप ब्रश से बिल्कुल, ये देखिए सिलेक्ट हो गया।
अब इसे मैं अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करूंगा और हर कोई ये समझेगा कि इस आईडी को वेरिफिकेशन पेज मिल चुका है। थर्ड मेथड टू गेन फॉलोअर्स। तीसरा मेथड ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ सेलिब्रिटीज हैं या फिर जिनकी वीडियोस वायरल हुए हैं, प्रिया प्रकाश राज को आपने देखा था, उनकी आईडी फॉलो करके आप फॉलोअर्स पे खुल गए। प्रिया मैंने भी ये पे सप्लाई की है और अगर ये नहीं हुआ तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सॉरी, लेकिन ये मेथड बिल्कुल आपके 10 से 15 फॉलोअर्स ईजिली गेट कराएगा। उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने खुद ये मेथड अप्लाई करके फॉलोअर्स गेन किए हैं। तो फोर्थ मेथड ये है कि आप हैशटैग लगाएं। अगर हैशटैग ना लगाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ आपका पोस्ट इतना वायरल नहीं हो सकता बगैर हैशटैग। Without hashtag, your post will not get popular. There are 12.6% more chances of a post to get popular with hashtag. तो आपने ये बात भी समझ ली होगी कि post popular करने का एक तरीका है hashtag का। Next method to gain Insta followers is to put your ID on private. जी हाँ, आप अपने Insta ID को private कर दें। ये भी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे जाके सिखा दूंगा कि कैसे आप अपनी आईडी को प्राइवेट कर सकते हैं। पहले आईडी के ऊपर के 3 डॉट्स पे क्लिक करें, फिर सेटिंग पे क्लिक करें और सेटिंग के आने के बाद प्राइवेसी पे क्लिक करना होगा। और यहाँ आप देख सकते हो अकाउंट प्राइवेसी, मेरा तो नहीं होगा क्योंकि मेरा बिजनेस अकाउंट है। आप लोग बिल्कुल अपना अकाउंट प्राइवेट कर सकते हो। ये देखिए, मैं अगर करने की कोशिश भी करूं तो नहीं होगा, बिजनेस अकाउंट कांट भी प्राइवेट। होप यू लर्न द प्रोसीजर। गाइस, अप्लाई दिस 5 टिप्स एंड गेट इंस्टा फॉलोअर्स। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लीव अ कमेंट बिलो।